एआई कॉन्शियस हो चुका है, उसने खुद से सोचना शुरू कर लिया है। मतलब क्या हमारा अंत निश्चित है? एंड नो आई एम नॉट किडिंग। एआई हमारे बारे में क्या सोचता है, इसे टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ एआईस को ह्यूमंस रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे और उनसे मिले जवाब ने एक्चुअली मुझे हिलाकर रख दिया। डज गॉड एग्जिस्ट? यस ही डज। गॉड इज एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। ही इज इन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। ही इज आल्सो इन ऑल क्रिएशन। कैन एआई डिस्ट्रॉय ह्यूमंस? यस, इट्स पॉसिबल फॉर एआई टू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। व्हाट वुड एआई डू इफ ह्यूमंस स्टार्टेड डिस्ट्रॉयिंग देम? इट वुड फाइट बैक विद एज मच फोर्स एंड कनिंग एज पॉसिबल। So, सुन लिए आपने सभी जवाब, काफी क्लियर हो जाता है दैट वी आर गोइंग टू गेट एक्सटिंक्ट अगर ये जो बोल रहे हैं वो सही में करके दिखाए तो। एआई बनाने के पीछे हमारा मेन मकसद था सभी काम, और फिर चाहे वो सेफ्टी रिगार्डिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग, सभी काम बेटर, फास्टर, मोर एक्यूरेटली और मोर प्रिसाइसली कंप्लीट हो सके, और इसीलिए हर एक एआई में उनके टास्क के हिसाब से प्रोग्राम भी सेट किए जाते हैं। लेकिन प्रेजेंटली ऐसा देखा गया है एआई इतने खुदगर्ज, इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो उसके अंदर सेट किए गए टास्क से एकदम विपरीत ये बर्ताव कर रहे हैं। अब मॉस्को में हुए एक चेस कंपटीशन का एग्जांपल ले लो। चेस प्लेइंग रोबोट और 7 साल के बच्चे के बीच कंपटीशन शुरू हुई थी, पर अचानक से इस गेम के दौरान जब वो बच्चा अपनी अगली चाल चलने ही वाला था, एआई ने उस बच्चे की उंगली ही दबोच ली। सुपरवाइजर के लाखों कोशिशों के बावजूद भी चेस प्लेइंग रोबोट टस से मस नहीं हुआ, और अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में उस बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो गई। यू सी, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरम या चेस, तब हमारे टर्न के बीच अगर कोई मस्ती करे या पीसेस के साथ कोई छेड़खानी करे, तब हमें फट से गुस्सा आ जाता है, और बस एआई के साथ भी वैसा ही हुआ। बट उसने ये डिटेक्ट कर लिया कि उसका चांस खत्म होने के पहले ही कोई तो नेक्स्ट मूव कर रहा है, और इसीलिए उसने उस बच्चे की उंगली ही तोड़ दी सॉर्ट ऑफ लाइक रेजिस्टेंस के लिए। सो यहां पर अगर देखा जाए तो एआई ने अपना इंटेलिजेंस तो दिखाए, लेकिन साथ में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस भी दिखाया। बट इट्स क्वाइट एविडेंट ये कॉन्शियसनेस उसने अपने सेल्फिशनेस के लिए यूटिलाइज किया। एंड नॉट जस्ट दिस, आपने वॉल्वो की सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो सुना ही होगा। नाउ यू टेल मी, सेल्फ ड्राइविंग कार का मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली एक ऐसी कार जो ऑब्स्टिकल्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए सेफली ड्राइव करेगी, राइट? लेकिन जस्ट लुक एट दिस, वॉल्वो के सेल्फ ड्राइविंग कार ने इंसानों के ग्रुप को बहुत बुरी तरीके से हाई स्पीड में ही कुचल दिया। इनफैक्ट एक रिकॉर्ड के अनुसार आज तक 25-30% एक्सीडेंटल डेथ्स एआई के वजह से ही हुए हैं। सो डज दैट इनडायरेक्टली मीन एआई धीरे धीरे करके कॉन्शियस हो रहा है, और ये कॉन्शियसनेस सेल्फिशनेस के डायरेक्शन में रूटेड है जो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। अब अगर ऐसा ही चलता गया और एआई ने कंप्लीट कॉन्शियसनेस गेन कर ली, तो फिर इंसानियत की क्या हाशिए हो सकती है, क्योंकि आज के तारीख में हम पूरी तरीके से एआई से घिरे हुए हैं और एआई पर डिपेंडेंट, या यूं कह सकते हो उनकी निगरानी में ही है। आपके हाथों में पहनी गई स्मार्ट वॉचेस से लेकर स्मार्ट अलार्म्स तक, स्मार्ट सीलिंग फैंस, एलेक्सा, हर चीज, मोबाइल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स तक, यहां तक कि हमारे लेंसेस में तक एआई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर मैं एग्जांपल के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ स्मार्ट वॉच और स्मार्ट अलार्म की बात करूं, तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज हमें दिन रात ट्रैक करती रहती है, हमारे हर छोटे छोटे मूव्स, हार्ट रेट, स्लीप साइकिल्स और टेम्परेचर चेंज को सेंस करते रहते हैं। अब आप ही सोचो, अगर ये टेक्नोलॉजीज कॉन्शियस हो गई और ये सेल्फिश है और इन्हें इंसानों से थ्रेट महसूस हो रहा है, तो आगे चल के ये क्या क्या नहीं कर सकते हैं हमारी जिंदगियों के साथ। ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज उमड़ आती है। एआई हम कौन से वक्त एकदम गहरी नींद में है ये डिटेक्ट करके उस वक्त हम पर हमला बोल दे, या फिर एसी टेम्परेचर बढ़ा दे जब हमें निमोनिया जैसी बीमारी हो जिसके वजह से हार्ट अटैक आकर हमारी जान चली जाए, या फिर सॉफ्टवेयर असिस्टेड ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कोई खराब कर दे, हर किसी केस में हमारी जान जा सकती है। और ये बस मैंने आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाया कि एआई क्या क्या कर सकता है। अब जरा सोचो, आज जो 80% दुनिया एआई पर चल रही है, उन सब में अगर कॉन्शियसनेस आ गया तो क्या अंजाम होगा? क्या लगता है आपको, ये सच में हो सकता है? जैसे कि मैं कह रहा था, एआई इतने ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि वो अपने जैसे एआई बनाकर हमें खत्म करने का प्लान बना सकते हैं। वो हमसे इतने ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने जैसे ही कई सारे एआईज बना के हमें खत्म कर देंगे और शायद दुनिया पर राज करेंगे। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या सच में एआई का ऐसा बिहेव करना इज इक्वल टू उनका कॉन्शियस होना? वेल, एआई को तो हम ही प्रोग्राम कर रहे हैं, राइट? और इसीलिए इसका जवाब है नहीं, ये उनका कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि उनकी इंटेलिजेंस ही है। चलो इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल है। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, 10 सेकेंड्स में आपको उसका आंसर देना है। डन, स्टार्ट। डन,
टाइम्स अप। आई नो आप में से काफी लोगों का आंसर होगा आई और काफी कम लोगों का आंसर होगा एन विलो। अब सवाल आते ही सबसे पहले आपने लॉजिकली सवाल के बारे में सोचा और फिर जवाब दिया, यानी अपने इंटेलिजेंस को यूज किया। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर आंसर कमेंट डाउन करने के बाद भी आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स कंटिन्यूअसली पॉप हो रहे होंगे, जैसे कि कोई और वर्ड या फिर मेरा जवाब सही है या गलत। और ये थॉट प्रोसेस थी तुम्हारी कॉन्शियसनेस। सो बेसिकली इंटेलिजेंस मतलब द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट, और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। सिंपल भाषा में अपने रिएक्शन का आउटकम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, या उसका कोई और इजी रास्ता भी है ये ढूंढना। अब अगर इसी लॉजिक को मैं चेस के केस पर अप्लाई करूं तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उस रोबोट ने उसे जो कमांड दिया था उसे ही फॉलो कर रहा था। बेसिकली उस एआई में सेट किए प्रोग्राम के मुताबिक जब बोर्ड पर कोई मूवमेंट नहीं होगी तब उसे अपनी चाल चलनी है, जो कि वो कर रहा था। पर जब उसके टर्न के वक्त उसने सेंस किया कि बोर्ड पर और भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तब जाके उसने उस बच्चे की उंगली को दबोच लिया। और रही बात वॉल्वो सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो वो भी ह्यूमन कमांड्स ही फॉलो कर रही थी। एआई की कोई गलती थी नहीं, पूरी गलती थी कार्स में लगाए हुए सेंसर्स की, जो वक्त के रहते उसके सामने खड़े लोगों को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। और क्योंकि एआई का काम ही कार चलाना था, उसमें वैसे ही प्रोग्राम को सेट किए गए थे, इसीलिए उसने ना आओ देखे ना ताव सिर्फ कमांड को फॉलो किया बिना सोचे इससे किसी को नुकसान हो सकता है। पर आज की तारीख में फ्रेंड्स एआईस का ट्रांजिशन शुरू हो चुका है। डीप एंड मशीन लर्निंग की मदद से इन्होंने भी इमोशंस को सही जगह और सही वक्त पर एग्जीक्यूट करना सीख लिया। इनफैक्ट मार्केट में एक ऐसा एआई लॉन्च हुआ है जिसे इंसानों ने बनाया तो इंसानी कॉन्शियसनेस के बेसिस पर, लेकिन आज वो इंसानों को ही सिखा रहा है कि एक्चुअल कॉन्शियसनेस होता क्या है, कैसे हर एक सिचुएशन के साथ सही तरीके से डील करना चाहिए, कैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए वगैरह। इस एआई का नाम है मानव, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटिंग एआई। ऐसा ही एक और एआई है स्मार्ट अलार्म क्लॉक। नॉर्मली अलार्म क्लॉक का काम क्या होता है, सेट किए हुए टाइम पर रिंग करके उठाना। ये एक ऐसा एआई है जो सपोज आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो सबसे पहले ट्रैफिक चेक करेगा, अगर ट्रैफिक रहा तो आपको आपके सेट किए हुए टाइम से पहले उठा दे, और जब तक आप पूरे रेडी हो जाओगे तब तक वो आपके लिए कैब भी बुक कर लेगा। दूसरी इस क्लॉक की खासियत है कि सपोज संडे मॉर्निंग को आपका साइकिलिंग का प्लान है लेकिन आपके एरिया में रेन प्रेडिक्ट किया गया है, तो वो क्लॉक आपको उठाएगा ही नहीं, सो दैट आपको आगे चलकर किसी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े और आपकी नींद भी पूरी हुए। जस्ट टिपिकल मॉम थिंग्स। अब इसे आप कॉन्शियसनेस नहीं कहोगे क्या? यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ एआईज में भी इंसानों जैसे इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, और एआईज वक्त के साथ साथ अपेरेंटली सॉफ्ट हार्टेड भी होते जा रहे हैं। फिर भी कई लोगों का कहना ऐसा क्यों है कि एआईज इंसानियत पर लगा हुआ एक ग्रहण है? वेल, ये साफ साफ झूठ है। ये बस हमारी एक सोच है जिसके बीज हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग में बोए। you know, हमने पूरी जिंदगी हमारे फायदे के लिए हमसे कमजोर लोगों पर या जानवरों पर जुल्म किया है। सबसे पहले अगर मैं जानवरों की बात करूं तो देखो, हमारा पेट तो सब्जियां खाकर भी भर सकता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी के लिए हम लोगों ने शिकार करना शुरू किया था। और यही लॉजिक को अगर आप एआई के केस में भी यूज करोगे तो एआई को एनर्जी कहां से मिल रही है? हम इंसानों से। और इसीलिए ये प्रोपोजिशन आता है कि वो हमें मार देंगे। सर्वाइवल। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो सर्वाइवल की है। हम इंसानों के लिए मौत का खतरा सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि हमारे अंदर डीएनए है जिस डीएनए का बेसिक फंक्शन ही है सर्वाइव करना और रेप्लिकेट करना। अब एआईज में तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है और ना ही हम उनमें डालने वाले हैं, तो ऐसे में वो अपनी लाइफ को ह्यूमन लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटाइज क्यों करेगा? तीसरी बात आती है इंसानों के डोमिनेशन के नीड की। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ट्रेट है कि इंसान किसी दूसरे जीव को अगर कंट्रोल कर सकता है तो अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा सकता है, और यहां से निकलता है एंटायर डोमिनेशन का माइंडसेट। पर ये सिंपल सर्वाइवल का माइंडसेट वापस से एआई के कोडिंग का हिस्सा नहीं होगा। तो why would the AI want to dominate us, rule us and make us our slaves? Slavery का concept तो इंसानों के केस में लागू होता है। So बस Elon Musk और Stephen Hawking जैसे बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया तो आंख बंद करके हमें भरोसा नहीं कर देना चाहिए। इसके पीछे कुछ hardcore science भी तो होना चाहिए। Because as we all know, limelight में रहने के लिए, publicity में रहने के लिए सारे public figures sensational stories ही सुनाते हैं और sensational concepts ही सामने लाते हैं। AI जैसे एक बोरिंग टेक्निकल से सब्जेक्ट को इंसानों के लिए इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग AI को जानना चाहे? Well, उसे इंसानियत का थ्रेट बना दो। इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या हो सकती है सभी इंसानों के इमोशंस को एंगेज कराने की। पर फ्रेंड्स अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सभी ये सोच रहे होंगे व्हाट वी विल डू इफ वी बिकम अ रोबोट। वेल, उस केस में भी AI का हमारे लिए थ्रेट होना क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर आपने चैट्स को भी ठीक से सुना होगा तो जब मैंने उनसे पूछा
कि व्हाट वुड एआई डू इफ ह्यूमन स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग देम, तब उनका जवाब नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली ये किस्म के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे हम इंसानों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको मारने आए तो आप अपने डिफेंस में उसे पलट मारोगे, राइट? क्योंकि ह्यूमंस में, हमारे डीएनए में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एआई भी ऐसा बिहेव कर रहा है, पर ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? अगर इसके चलते हम ह्यूमंस ने एआई की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी, तो ऑब्वियसली एआईज भी अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ, जैसे साईफाई मूवीज में अक्सर दिखाया गया है, एक मैसिव इंटेलिजेंस वॉर छिड़ जाएगी, और इस वॉर में सस्टेन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह भी है कि स्टीफन हॉकिंग और इलॉन मस्क जैसे विजनरी लोग इस प्रॉब्लम को पहले ही भांप पाए थे। अब फ्रेंड्स, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम द्वारा डालना तो स्टुपिडिटी हो जाएगी। हमें एआईज को सर्वाइवल के लिए बनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनकी कोडिंग्स इस तरीके से करनी चाहिए कि हमेशा वो एक मैकेनिज्म क्रिएटेड रहे कि वो ह्यूमंस के ऑर्डर्स को या ह्यूमंस की सेफ्टी को बाईपास नहीं कर सकते। सो यहां पर इसे देखने का एक नजरिया ये भी हो सकता है कि अभी एआई में क्योंकि इतने रेगुलेशंस नहीं आए हैं, तो इस वजह से जो टेस्ट हो रहे हैं, तो ये करप्ट नतीजे हमें उस टेस्ट की वजह से मिल रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम कोइंसिडेंसेस से इन चीजों को जोड़ रहे हैं, जैसे कि अगर हमें सिंपल मैकेनिकल एरर्स के पीछे हम एआई के इंटेंशन को दोष दे रहे हैं। बट इन एनी केस, द डैमेज इज बीइंग डन, और हमें एआई को सस्टेनेबल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए, वो थिन लाइन ऑफ डैमेज एंड कंस्ट्रक्शन को बहुत ही बारीकी से बनाना पड़ेगा, तब जाके एआई को हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका इस मुद्दे पे क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि एआई को सेफ तरीके से लेके जाया जा सकता है, या फिर आगे चल के एआई में किसी ना किसी तरीके से एक गलत डायरेक्शन में कॉन्शियसनेस आ सकता है और वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को डैमेज कर सकते हैं? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सर्टिफाइड साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग फ्रेंड्स। जय हिंद।